हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हम लोग जुलाई महीने का आरबीआई सर्कुलर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई महीना हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लोग जाकर देखोगे तो 12 से 15 सर्कुलर्स होंगे, कुछ एक मास्टर डायरेक्शन भी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो सर्कुलर, जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कुछ एक सर्कुलर को हम लोगों ने एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्लासेज में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अच्छे से, तो उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे। कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बस कहना इतना चाह रहा हूँ कि कहीं पे कोई चीज़ छूटेगी नहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे फिर वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको क्लास में डिस्कस करा दी गई हो, या फिर कुछ एक सर्कुलर जो मुझे लग रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जिसका वीडियो क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल कराना चाहिए, वो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से जुलाई के लिए। ठीक है ना, जुलाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास थोड़ा सा ये लंबी रहेगी, तो 1 घंटे 1.25 घंटे तक ये क्लास लगभग रह सकती है, तो माइंड मेकिंग अच्छे से कर लेना, एक्टिव मोड में आना, एग्जाम के लिए सारी चीज़ें जरूरी होती हैं। पहला सर्कुलर हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, पहला सर्कुलर हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। और ये जो सर्कुलर है ये है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2, रिमूवल ऑफ लिमिट्स ऑन अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, तो एक काम करो, ये सर्कुलर मैं पहले पूरे फ्रेम में कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये पूरा का पूरा फ्रेम में आ चुका है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके ये सर्कुलर एक बार खुद से पढ़ लो फटाफट, 2-4 1 मिनट का जो भी टाइम लगेगा, वीडियो पॉज करना। वीडियो पॉज करने के बाद में 1-2 मिनट में इस पूरे के पूरे सर्कुलर को आप लोग खुद से पढ़ लो। उसके बाद में इस सर्कुलर में जितनी भी ये राम कहानी अंग्रेजी में बताई गई है, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज में, इसको आम आसान बोलचाल की भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो चीज़ें तभी समझ में आएंगी आप लोगों को जब आप लोग एक बार सर्कुलर को खुद से एक बार पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करो और सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो। ठीक है, जो कुछ भी लिखा गया है उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा। ठीक है भाई, ये जो नया सर्कुलर आया हुआ है तो इसके पीछे का क्या इसका बैकग्राउंड रहा, नए सर्कुलर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। 3 जुलाई का ये सर्कुलर है, 3 जुलाई को ये सर्कुलर इशू किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। सर्कुलर का नाम क्या है, ये सर्कुलर का नाम है, ये भी आप लोग पढ़ लो। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये सर्कुलर के ये पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर में क्या कहा गया है, क्या है ये सर्कुलर। अभी तक मैंने उम्मीद कर लिया है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा सर्कुलर को। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रहा है, रेमिटेंस। सर्कुलर हम लोग पढ़ें, सर्कुलर के डीप में जाएं, उससे पहले हमको रेमिटेंस को थोड़ा सा डीप में नहीं जाएंगे। जो चीज़ें जितना ज़्यादा ज़रूरत है उतना ही चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी, क्लैरिटी दी जाएंगी, सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, एग्जाम पे फोकस्ड करके चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। ना तो हमको मास्टरी करनी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ना तो हमको PhD करनी है, ना तो हमको अपना नॉलेज दिखाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ IBPS एग्जाम क्लियर करना है। तो उसी के हिसाब से चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कराई जा रही हैं। रेमिटेंस का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। रेमिटेंस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है भैया, इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस, ये 2 टाइप्स होते हैं रेमिटेंस के। इनवर्ड रेमिटेंस वो रेमिटेंस होते हैं जब दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा आता है तो उसको हम लोग इनवर्ड रेमिटेंस बोलते हैं। जब भारत के अंदर से भारत के बाहर किसी भी देश को पैसा भेजा जाता है तो वो आउटवर्ड रिमिटेंस होता है। जैसे हम लोग इंडिया से अमेरिका में पैसा भेज दें, आउटवर्ड रिमिटेंस हो जाएगा। अमेरिका से इंडिया में पैसा आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड रिमिटेंस हो जाएगा। ठीक है भैया, तो जब आउटवर्ड रिमिटेंस किया जाता है तो उसके लिए ही फॉर्म A2 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फॉर्म A2 का जिक्र किया गया था ना, तो ये फॉर्म A2 ये हो गया। रेमिटेंस आपको समझ में आ गया, फॉर्म A2 क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो जब आउटवर्ड रेमिटेंस किया जाता है तब फॉर्म A2 का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, इनवर्ड के लिए नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सुनते रहना। ठीक है, जब भी आउटवर्ड रेमिटेंस किया जाएगा उसके लिए फॉर्म A2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स किया जाता है, चाहे फिर वो बिजनेसेस के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे फिर वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जा रहा हो, उसके लिए फॉर्म A2 जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और डीप में थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा इसको LRS से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। थोड़ा सा इसको LRS से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। माहौल बन रहा है, भूमिका बनाई जा रही, चीज़ें समझ में आना स्टार्ट होंगी, सुनते रहो ध्यान से। ठीक है ना, देखो, तो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो LRS के तहत भारत के बाहर पर फिनेंशियल ईयर 2.5 लाख USD तक भेज सकते हैं। ये आपको सबको पता होगा, ये बच्चे बच्चे को भी पता है। ठीक है ना, अगर थोड़ा बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स है तो। ठीक है ना,
USD तक भारत 2.5 लाख USD तक भेज सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। सुनते रहना ध्यान से, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो LRS के तहत भारत के बाहर पर फाइनेंशियल ईयर 2.5 लाख रुपए USD तक भेज सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और ये किसी भी करंट या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए ही भेजा जा सकता है। तो जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं ये भारत के बाहर आउटवर्ड रेमिटेंस भेज रहा है जो भी इंडिविजुअल्स, तो वो उस टाइम पे फॉर्म A2 फिल करेगा, ठीक है ना। LRS के तहत में जो 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख USD तक इंडिया से बाहर भेजा जा सकता है पर फाइनेंशियल ईयर में, तो जो आउटवर्ड रेमिटेंस होगा उस आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 ये जो है ये फिल करना होगा, ठीक है। और इस फॉर्म A2 को किसी ऑथोराइज डीलर के पास, इस फॉर्म A2 को ऑथोराइज डीलर के पास में सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से जो भी बिजनेसेस होते हैं, ये बात हो गई इंडिविजुअल्स की, और जो बिजनेसेस होते हैं वो भी आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 सबमिट करते हैं, उनको भी आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 सबमिट करना होता है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर्म A2 कितना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, कितनी इसकी ज़रूरत होती है, और ये आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए लगता है चाहे फिर इंडिविजुअल्स हों चाहे फिर वो बिजनेसेस हों, ठीक है। LRS की बेसिक चीज़ें जैसे 2.5 लाख वाली ये जो लिमिट हो गई, 2.5 लाख USD वाली ये जो लिमिट हो गई, ये सब आप लोग जानते होंगे। और डीप में जाके और टेक्निकल चीज़ें मैं इस सर्कुलर की तरफ मैं चलता हूँ, अननेसेसरी चीज़ों की तरफ ना जाके थोड़ा सा सर्कुलर की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो LRS के तहत में ये जान लो थोड़ा सा कि क्या क्या परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। सुनते रहना ध्यान से, LRS के तहत में क्या क्या परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं ये भी तो हम लोग को जानना है। देखो LRS के तहत में भारत के बाहर हम किसी रिलेटिव को या किसी जानने वाले को गिफ्ट या डोनेशन भेज सकते हैं, ठीक ना। नोट डाउन करते रहना आप लोग, क्योंकि इसकी PDF नहीं मिलेगी, नोट डाउन आप लोग करते रहना, मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनना, नोट डाउन करते रहना, नोट्स अपने बनाते रहना शॉर्ट फॉर्म में, जैसे भी आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। LRS के तहत में भारत के बाहर गिफ्ट या डोनेशन भेजा जा सकता है। जॉब या इमिग्रेशन के लिए भी LRS के तहत में फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, विदेशों में जाके पढ़ाई करनी है, अब्रॉड में स्टडीज़ करनी है, हमको कोई बिजनेस ट्रिप करना है उसके लिए भी हमको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी LRS के तहत में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को हम लोग अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। इसके साथ साथ नेपाल और भूटान, ये दो नाम याद करो, ठीक है, नेपाल और भूटान, इसके साथ साथ नेपाल और भूटान इन दोनों देशों को छोड़कर अगर आप एब्रॉड जाते हैं तो LRS के तहत आप फॉरेन करेंसी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। नेपाल उपाल देखो ना, जिसका घर गोरखपुर बॉर्डर एरिया पे है, जो नेपाल बॉर्डर एरिया पे है, उनको देखो करेंसी वरेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, देखो चले जाते हैं वहाँ पे, उनको पासपोर्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो नेपाल और भूटान इन दोनों देशों को छोड़कर अगर आप किसी और दूसरे देश में जा रहे हैं तो LRS के तहत में आपको फॉरेन करेंसी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई है तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही ईजी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 फॉर्म फिल किया जाता है। फॉर्म A2 जो होता है उसमें क्या क्या डिटेल्स फिल की जाती हैं थोड़ा सा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फॉर्म A2 में जो रेमिटर होता है उसका डिटेल्स फिल किया जाता है, ठीक है ना, और जो बेनिफिशियरी होता है जिसके लिए पैसा भेजा जा रहा है उसका डिटेल्स फिल किया जाता है, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए पैसा भेजा जा रहा है, उस पर्पस का जो कोड होता है वो फॉर्म A2 में फिल किया जाता है। पर्पस, और एक चीज़ और याद रखना कि हर पर्पस के लिए कोड अलग अलग होते हैं, हर पर्पस का अलग कोड होता है। देखो जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में अभी GST वगैरह जब से लागू कर दिया गया, तो GST लागू करने के बाद में HSN नंबर दे दिया गया है हर सर्विसेज के लिए। जैसे हम GST वगैरह फाइल करते हैं, कुछ भी परचेज वर्चेज आप करते हो, आप लोग नोटिस करना इसको, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो कुछ भी परचेज करते हो तो जो बिल आपको मिलता है उसमें एक HSN नंबर होता है, ठीक है ना, HSN नंबर होता है, और वो HSN नंबर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ये पर्पस कोड होता है वो भी सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर्म A2 में ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं, इसके साथ साथ फॉर्म A2 में ये भी बताना होता है कि इसके अलावा, मतलब कि जो करंट वाला, जो वर्तमान वाला रेमिटेंस हम लोग बाहर भेज रहे हैं, उस रेमिटेंस के अलावा जो करंट का रनिंग फाइनेंशियल ईयर होता है उस ईयर में LRS के तहत में कोई और ट्रांजेक्शन किया गया है या नहीं किया गया है,
उसका भी डिटेल वहाँ पे देना होता है, ठीक है ना। तो अब तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया आप लोग फॉर्म A2 बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, LRS समझ गए होंगे, इनवर्ड आउटवर्ड समझ गए होंगे, कोड वगैरह समझ गए होंगे। अब सर्कुलर पे वापस आते हैं और ये जो कुछ भी लिखा गया है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे 2016 का जिक्र किया गया है, फिर 2023 का जिक्र किया गया है, कैटेगरी 2 का, कैटेगरी 1 बैंक्स का। तो आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया होगा ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी इसमें लिखा है, मैं इसको इलेबरेट कर रहा हूँ, आसान बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, सुनते रहना, नोट्स बनाते रहना, ठीक। देखो 2016 में आरबीआई ने उन सभी ऑथोराइज्ड डीलर बैंकों को जो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफर करते हैं उनको ये अलाउ कर दिया था कि ऐसे बैंक अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। ये बात कब है? ये बात है 2016 की। लेकिन 2016 में ऑनलाइन वाली फैसिलिटी दी गई थी, तो 2016 से पहले क्या होता था? 2016 से पहले क्या होता था? तो 2016 से पहले ये जो फॉर्म A2 है ये कस्टमर के द्वारा ऑथोराइज डीलर को ऑफलाइन सबमिट किया जाता था, ठीक है ना। 2016 से पहले ये फॉर्म A2 ऑफलाइन मोड में सबमिट किया जाता था, 2016 में इसे ऑनलाइन किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना, 2016 में इसे ऑनलाइन मोड में कर दिया गया। और ये जो 2016 में ऑनलाइन किया गया था फॉर्म A2, ये क्यों किया गया था? ये देखो पेपर वर्क वगैरह को कम करने के लिए, और ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, चीज़ों को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए ऑनलाइन में आया था। सीधी सीधी सी बात है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऑफलाइन से अगर ऑनलाइन में आ रहे हैं तो चीज़ों को इजी आसान करने के लिए ही आते हैं, आसानी से ट्रैक कर सकें, आसानी से ट्रेस कर सकें चीज़ों को, आसानी से डाटा लिया जा सके, पेपर वर्क कम हो जाए, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन में आते हैं। तो इसीलिए इसको ऑनलाइन किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद 2023 का भी जिक्र हुआ है, तो इसके बाद 2023 में आरबीआई ने AD कैटेगरी 2 एंटिटीज़ को भी परमिट कर दिया था कि वो अपने कस्टमर्स से फॉर्म A2 ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। देखो 2023 में कैटेगरी 2 की बात हो रही है, ठीक है ना, उसमें कैटेगरी 2 की बात हो रही है, और उसके बाद में उसमें कैटेगरी 1 की बात हो रही थी। चीज़ आप लोग समझना, ईयर्स को आप लोग समझते हुए चलना। 2023 में आरबीआई ने AD कैटेगरी 2 एंटिटीज़ को भी परमिट कर दिया था कि वे अपने कस्टमर से फॉर्म A2 ऑनलाइन सबमिट करा सकते हैं। इसके साथ साथ फॉर्म A2 के अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि जो फेमा एक्ट 1999 है, इसके तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका वायोलेशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। रेमिटेंस फेमा एक्ट के तहत परमिसिबल है, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए फॉर्म A2 के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट करना होता है, अपलोड करना होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म A2 के अलावा और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स को भी ऑनलाइन सबमिट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान से सुनो, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर रेमिटेंस के लिए फॉर्म A2 के अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो करना ही पड़े, लेकिन जिसमें करना पड़ेगा उसमें करना है, उसको मतलब करना ही पड़ेगा, उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें नॉर्मल केस में क्या होता है कि फॉर्म A2 से काम चल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फॉर्म A2 के अलावा और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है, जिससे कि ये प्रूफ किया जा सके कि फेमा एक्ट 1999 के तहत जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, उसका वायोलेशन नहीं किया गया है, रेमिटेंस जो भी भेजी गई है वो फेमा एक्ट के तहत में परमिशबल है, कहीं पर कोई गड़बड़ी, कहीं पर कोई शिकायत नहीं की गई है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट करके आप कितना भी पैसा भारत के बाहर नहीं भेज सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म A2 सबमिट किया और भारत के बाहर धड़ाधड़ तरीके से पैसा भेजे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक लिमिट बनाई गई है, और इसकी जो लिमिट बनाई गई है वो इंडिविजुअल्स के लिए अलग, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स के लिए पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम लिमिट जो है वो
25,000 USD है, ठीक है ना। इंडिविजुअल्स पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 25,000 USD ही भेज सकते हैं फॉर्म A2 फिल करके। ये बात किसकी हो गई, इंडिविजुअल्स की हो गई। और कॉरपोरेट और बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें, कॉरपोरेट और बिजनेसेस की बात करें, तो उनके लिए ये जो लिमिट है 1,00,000 USD की है। उनके लिए ये लिमिट जो है 1,00,000 USD की है, मतलब कि कॉरपोरेट और बिजनेसेस 1,00,000 USD तक भेज सकते हैं फॉर्म A2 फिल करके, ठीक है ना। अब ये जान लेते हैं कि नए सर्कुलर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। वापस से सर्कुलर पे आते हैं, सर्कुलर आपके स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। नए सर्कुलर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ये हम लोग जानते हैं। देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ऑथोराइज डीलर, यानी कि आरबीआई ने ऑथोराइज डीलर्स, और ऑथोराइज डीलर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुनना। आरबीआई ने सभी ऑथोराइज डीलर्स के लिए, और ऑथोराइज डीलर का मतलब एडी कैटेगरी वन के जो भी बैंक्स हैं और एडी कैटेगरी टू के जो एंटिटीज हैं, उनको ये अलाउ कर दिया है कि जो ऑनलाइन फॉर्म A2 भर के एक लिमिट तक ही पैसा भेजा जाता था, उस लिमिट को हटा दिया गया है। तो अब कितना भी पैसा ऑनलाइन फॉर्म A2 फिल करके भारत के बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन जो LRS की 2,50,000 रुपये वाली ये जो लिमिट है वो उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। देखो आप लोग, पहले लिमिट क्या थी, पहले ये 25,000 USD और 1,00,000 USD की लिमिट थी, लेकिन नए सर्कुलर में इस लिमिट को हटा दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग समझना, पुरानी लिमिट भी याद रखना, नई लिमिट हटा ही दी गई है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे मेन डिसीजन जो है इस सर्कुलर का यही है, इस सर्कुलर का सबसे मेन डिसीजन यही है कि जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो चीज़ आप लोग याद रखना। बाकी इसमें ये सब बाकी जनरल चीज़ें ये बताई गई हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब जो और भी जो पॉइंट्स हैं वो जनरल पॉइंट हैं, वो आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या कहा गया है। मेन जो चीज़ था कि वही जो 25,000 USD वाली और 1,00,000 USD वाली जो लिमिट थी वो हटा दी गई है, अब इसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है। यही मेन था, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। बाकी जो जनरल चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। अब जनरल चीज़ों में क्या बताया गया है कि जैसे ऑथोराइज जो डीलर्स हैं उनको ये बोला गया है कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी वगैरह डेवलप करना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी वगैरह उनके पास में होना चाहिए, KYC का जो ये मास्टर डायरेक्शन है उसका उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। उसको पूरी की तरीके से उनको मतलब पालन करना, उसका उसको फॉलो करना है। इसके साथ साथ में ये भी बोला गया है कि ऑथोराइज डीलर्स जो हैं वो फेटर्स में जैसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करते थे, ठीक है ना। ये देखो फेटर्स लिखा हुआ है, इस फेटर्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इस फेटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो जो ऑथराइज डीलर्स हैं उनको ये बोला गया है कि फेटर्स में जैसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्टिंग करते थे वैसे अभी भी रिपोर्टिंग करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। फेटर्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लो आप लोग। देखो फेटर्स का फुल फॉर्म F से हो जाएगा फॉरेन, E से हो जाएगा एक्सचेंज, T से हो जाएगा ट्रांजेक्शन, E से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, R से हो जाएगा रिपोर्टिंग, S से हो जाएगा सिस्टम। यानी कि फेटर्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो फेटर्स है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसका उपयोग करके, जिसका यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके RBI ऑथोराइज्ड डीलर बैंक्स के द्वारा जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कंडक्ट किए गए हैं उन सबका डाटा कलेक्ट करता है, उन सबका डाटा फाइंड करता है, फिर उसके बाद में क्या क्या डिसीजंस वगैरह लेना है वो लेता है, ठीक। तो ये सर्कुलर था, ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी डीप में आसान बोलचाल की भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन जहाँ से बनेगा ये लिमिट है आप लोग याद रख लेना, ओल्ड लिमिट न्यू लिमिट पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले सर्कुलर की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला सर्कुलर क्या कह रहा है, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मिसलेनियस रेमिटेंस, ठीक है ना। तो वही काम करना है आप लोगों को, वीडियो को एक बार पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद में ये सारा का सारा एक बार खुद से पढ़ लेना है। खुद से पढ़ लेंगे तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर चीज़ों को आसान करके तो मैं समझा ही दूंगा, और क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो, ठीक। चलो हम लोग फिलहाल क्लास में आगे बढ़ते हैं, और ये उम्मीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके जो कुछ भी यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं इनको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना भैया। 3 जुलाई का ये सर्कुलर है, ठीक है। ये सर्कुलर रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मिसलेनियस रेमिटेंस है,
ठीक है। और ये जो सर्कुलर है, जो पिछला वाला सर्कुलर हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब कि इससे पहले वाला जो सर्कुलर डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है, तो इस सर्कुलर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिलीज करने से रिलेटेड है ये सर्कुलर। देखो इसमें क्या बोला गया है, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मिसलेनियस रिमिटेंस, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिलीज करने से रिलेटेड है ये सर्कुलर। अब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिलीज करने का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर सर्कुलर और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो इंडियन करेंसी होती है, इंडियन करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करके भारत के बाहर भेजा जाता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। जो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, इसे ही बोलते हैं रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर से समझो आप लोग, इंडियन करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करके भारत के बाहर भेजा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे हमको कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए जो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड की जाती है इसे ही हम लोग रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमको इंडिया में हूँ मैं, इंडिया में बैठ के हमको ईवे से या फिर ऐसी किसी यूएस वगैरह की वेबसाइट से कोई सामान परचेज करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें तो हम INR में पैसा नहीं भेज पाएंगे ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रुपीज़ में तो जाएगा नहीं, उसके लिए USD में करना होगा। तो जो INR को रुपीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिलीज ऑफ फॉरेन करेंसी आता है। एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक है ना। तो सर्कुलर पे आते हैं। अब इस सर्कुलर को जानने से पहले, इस सर्कुलर के पहले का क्या प्रावधान था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सर्कुलर से पहले जो भी ऑथराइज्ड डीलर थे उनको परमिशन थी कि वो किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बता दिया आप लोगों को। इसके लिए कस्टमर को सिर्फ एक सिंपल लेटर सबमिट करना होता था, ठीक है, कस्टमर को सिर्फ एक सिंपल सा एक लेटर सबमिट कर देना है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, और उसमें उनको अपना पर्पज मेंशन कर देना है, ठीक है, कि किस उद्देश्य से पैसा भारत के बाहर भेजना है, ठीक है। और ये जो पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा ये एक सिंपल लेटर सबमिट करके जो है मतलब कर देना होता था। और उसके बाद में जो भी ऑथराइज्ड डीलर होते थे उनको ये परमिशन थी कि वो किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिलीज कर सकते थे, ठीक है ना। और ये जो पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा, अभी बताया ना आपको कि एक सिंपल लेटर सबमिट करके भारत के बाहर पैसा भेजा जाता था, भेजा जा सकता था, और इसके लिए RBI ने इस सर्कुलर के पहले ऑथराइज्ड डीलर को परमिशन दिया हुआ था, ठीक है। तो जो ये पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा एक सिंपल लेटर सबमिट करके, जिसकी उसकी भी एक लिमिट है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 USD की है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग इस चीज़ को। तो इससे ज़्यादा का अमाउंट सिर्फ एक लेटर सबमिट करके भारत के बाहर नहीं भेज सकते, ठीक है ना। फिर से समझो आप लोग इस चीज़ को। मैं सर्कुलर के पहले का बैकग्राउंड एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस सर्कुलर से पहले जो भी ऑथराइज्ड डीलर थे उनको RBI ने ये परमिशन दे दिया था कि किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कस्टमर को, ग्राहक को सिर्फ एक सिंपल लेटर सबमिट करना होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में अपना पर्पज मेंशन कर देना होता है कि किस उद्देश्य से भारत के बाहर पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है। और ये जो पैसा भारत के बाहर भेजा जाएगा एक सिंपल लेटर सबमिट करके, उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि उसकी एक लिमिट होती है, और मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 25,000 USD की लिमिट होती है उसकी, ठीक है ना। मतलब कि 25,000 USD तक ही भारत के बाहर भेजना है तो सिंपल एक लेटर सबमिट करके ऑथराइज डीलर के पास जमा कर दो और पैसा भेज दो, ठीक है ना। 25,000 मैक्सिमम लिमिट है ये, मतलब कि भैया 25,000 रुपये, 25,000 USD तक मैक्सिमम अगर आपको भारत के बाहर भेजना है तो सिंपल सा एक आप लेटर जो है वो सबमिट करो अपने अथॉराइज डीलर के पास में और पैसा भेज दो। फॉर्म A2 की जरूरत नहीं पड़ती थी, समझ रहे हो ना, फॉर्म A2 जो पढ़ाया था। 25,000 रुपये तक अगर आपको देना है मैक्सिमम तो फॉर्म A2 की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक सिंपल लेटर सबमिट करो अपने अथॉराइज डीलर को, लेटर में पर्पज वगैरह मेंशन कर दो और पैसा भेज दो। ये हो गया बैकग्राउंड, ये हो गई सर्कुलर के पहले की कहानी। लेकिन लेकिन इस सर्कुलर के आ जाने के बाद में
इस सर्कुलर के, देखो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये देखो 25,000 रुपये वाली लिमिट लिखी गई है, फॉर्म A2 का मेंशन किया गया है, अब उसके बाद में चेंजेस क्या किया गया वो भी यहाँ पे लिखा गया, सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए बोलता हूँ कि पहले एक बार आप पढ़ लिया करो तो जो चीज़ें मैं बताऊँगा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब क्या किया गया कि अब इस सर्कुलर के आ जाने के बाद में इस सर्कुलर में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भेजना चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू डू रेमिटेंस, इफ़ यू आर विलिंग टू डू क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस फैसिलिटी, तो चाहे वो 25,000 USD से कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आपको फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में फॉर्म A2 सबमिट करना होगा, ठीक है ना। ये देखो ये लिखा गया है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि 25,000 रुपये तक, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको एक नॉर्मल सा फॉर्म फिल करना होता था, उसके बाद में पैसा भेज दिया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब इस सर्कुलर के आ जाने के बाद में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करना है, चाहे वो 25,000 USD से कम ही क्यों ना हो, 25,000 तक के लिए तो वैसे भी नहीं लगता था इससे पहले, इस सर्कुलर से पहले, लेकिन अगर अभी आप 10,000 USD तक का कर रहे हो, 5,000 USD का कर रहे हो, 15,000 का कर रहे हो, 24,999 USD तक का भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर रहे हो, ध्यान रखना क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है ना, 25,000 रुपये तक, 25,000 रुपये तक या इससे कम का भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस करो, मतलब कि ये सर्कुलर जो आया, इस सर्कुलर में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस भेजना चाहते हैं भैया, उसकी लिमिट कुछ भी हो, चाहे वो 25,000 से कम हो, चाहे वो 25,000 से ज़्यादा हो, उसके लिए आपको अब जो है वो फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म में फॉर्म A2 आपको सबमिट करना ही होगा, फॉर्म A2 आपको सबमिट करना ही होगा, और इससे रिलेटेड जो भी पुराने सर्कुलर थे उनको तत्काल प्रभाव से सब कुछ हटा दिया गया है, ये इसमें और चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो भी पुराने सर्कुलर थे उनको तत्काल प्रभाव से विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये मेन चीज़ थी इसमें कि मतलब 25,000 रुपये, 25,000 USD से कम का भी आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस अगर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको फॉर्म A2 फिल करना है, चाहे फिर वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, चाहे फिर वो फिजिकल फॉर्मेट में हो, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, यही इस सर्कुलर की मेन बात है। इसके साथ साथ में ये कुछ छोटी मोटी बातें भी बताई गई हैं, क्या बोला गया है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ये भी बोला गया है कि ऑथोराइज डीलर जो हैं वो फेमा एक्ट 1999 के जो उसका सेक्शन 10 का सब सेक्शन 5 है, ठीक है ना, जो भी अथोराइज डीलर हैं वो फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन 5 के तहत जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेते थे ये इंश्योर करने के लिए कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में कोई भी रूल वायोलेट नहीं किया गया है फेमा का, वो करते रहेंगे, ये इंश्योर करने के लिए नेसेसरी स्टेप हमेशा वो लेते रहेंगे पहले की तरीके से, ठीक। तो ये इस सर्कुलर में बताया गया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सर्कुलर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस सर्कुलर को कंक्लूड करें एक लाइन में, अगर हम लोग इसको बोलना चाहें तो सिर्फ इतना ही इसमें हम लोग कहेंगे कि इस सर्कुलर से पहले हमको 25,000 USD तक का अगर हमको क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस वगैरह करना होता था तो सीधे एक फॉर्म फिल कर देना होता था, फॉर्म फिल करने में कुछ बेसिक डिटेल वगैरह दे देनी होती थी, उसका पर्पज़ वगैरह बता देना होता था, इन्फॉर्मेशन दे देनी होती थी और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस वगैरह हो जाता था। लेकिन इस सर्कुलर के आ जाने के बाद में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि आप भैया चाहे 1 USD का, चाहे 2 USD का, चाहे कितने भी अमाउंट का करो, अमाउंट हटा दिया गया है। अमाउंट की जो लिमिट थी कि 25,000 से नीचे आपको फॉर्म A2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अमाउंट वाली लिमिट हटा दी गई। आप कुछ भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस अगर कर रहे हो, 1 रुपए, 1 USD का भी, 2 USD का भी अगर आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको फॉर्म A2 चाहे फिर फिजिकल फॉर्मेट में, चाहे फिर डिजिटल फॉर्मेट में आपको फॉर्म A2 फिल करना ही होगा। ये सर्कुलर भी आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया क्लास एक बार पीछे करके देखो, चीजें समझ में आएंगी। अगले सर्कुलर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। देखो ये जो सर्कुलर है इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि RBI ने अभी हाल ही में गिफ्ट IFSC के माध्यम से निवेश करने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में उसके जो भी नॉर्म्स हैं उसका विस्तार किया है, उसको और ज़्यादा एक्सपांड किया है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलर का नाम क्या है, रेमिटेंस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। 10 जुलाई का ये सर्कुलर आया हुआ है, सभी ऑथोराइज पर्सन के लिए ये सर्कुलर अप्लीकेबल है। इस सर्कुलर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गिफ्ट IFSC के माध्यम से जो भी निवेश किया जाता है LRS स्कीम के, LRS स्कीम्स के जो नॉर्म्स हैं उसका, उसके लिए विस्तार कर दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बार एक काम करो,
इस पूरे सर्कुलर को मैं फ्रेम में ले आता हूँ। पूरे सर्कुलर को एक बार आप लोग फिर से वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लो, 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर मैं चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग पॉज करके क्लास ये जो भी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आसान बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आरबीआई ने अभी हाल ही में गिफ्ट IFSC के माध्यम से निवेश करने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया है, उसको विस्तार कर दिया है, ठीक है। तो वो क्या क्या विस्तार किया गया है वो सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। IFSC के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। IFSC के बारे में पिछला सर्कुलर जो आपको कराया गया तो उसमें बता दिया गया था, तो IFSC के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि क्या है IFSC, क्या इसका फंक्शन होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी नहीं जाएंगे। LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी पहले बताया है आपको, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है LRS से संबंधित, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, LRS के तहत में कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, जिसमें रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिसमें कि माइनर्स भी शामिल हैं, भारत के बाहर पर फिनेंशियल ईयर $2.5 लाख, ठीक है, $2.5 लाख बिना किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस के भेज सकते हैं किसी भी कैपिटल या फिर किसी भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है LRS से संबंधित, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि LRS के तहत में IFSC के अंदर किसी भी तरह का रेमिटेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सर्कुलर का पॉइंट नंबर 2 देखो आप लोग, पढ़ो इसको, एट प्रेजेंट रेमिटेंस अंडर LRS टू IFSC कैन बी मेड ओनली फॉर, ठीक ना, ये बताया गया है, ठीक है ना। तो अभी का वर्तमान का क्या सिनेरियो है और चेंजेज आने के बाद में क्या सिनेरियोज हुए हैं, दोनों चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि LRS के तहत में IFSC के अंदर किसी भी तरीके का रेमिटेंस हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वर्तमान में IFSC के अंदर LRS के तहत केवल 2 प्रकार की रेमिटेंस ही की जा सकती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार हैं देखो ये बताई गई हैं, ठीक है ना, और आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी 2 प्रकार की रेमिटेंस की जा सकती हैं। पहला जो है देखो, पहला वाला जो है इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी इंडियन कंपनी या कोई भी इंडियन एंटिटीज़ जो कि IFSC के अंदर लोकेटेड नहीं है, तो उसकी सिक्योरिटीज़ को छोड़कर IFSC के अंदर जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है, दूसरा कौन से प्रकार का रेमिटेंस किया जा सकता है, तो दूसरे में ये बोला गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 23 मई 2022 केंद्र सरकार के द्वारा 23 मई 2022 को जारी गैजेट में मेंशनड कोर्सेज के लिए IFSC में स्थित फॉरेन इन्वेस्टीज या फिर इंस्टीट्यूशंस की एजुकेशन फीस भी LRS के तहत IFSC के अंदर पे कर सकते हैं। ये देखो लिखा गया ना, कोर्सेज वगैरह का जिक्र किया गया है, गैजेट का जिक्र किया गया है, ये इसमें बोला गया है। तो ये दो ही पर्पज़ हैं, इन्हीं दोनों पर्पज़ के लिए IFSC में पैसा भेजने के लिए रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है ना भैया, फॉरेन करेंसी अकाउंट समझना आप लोग, ठीक है ना। ये जो दोनों पर्पज़ बताए गए आपको, ये पर्पज़ और ये दो पर्पज़, इन दोनों पर्पज़ के लिए IFSC में पैसा भेजने के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल्स IFSC के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसको कि शॉर्ट में FCA बोलते हैं, FCA ओपन करना होता है उनको, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, ये FCA का जिक्र यहाँ पे किया गया, उनको FCA ओपन करना होता। अब देखो FCA क्या होता, थोड़ा सा FCA के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। फॉरेन करेंसी अकाउंट हम लोगों के जो नॉर्मल बैंक अकाउंट वगैरह होते हैं, इसमें देखो कि हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो INR में करते हैं, इंडियन रुपीज़ में करते हैं, ठीक है ना। पैसे वगैरह जो भी रखते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इंडियन करेंसी में करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सब इंडियन करेंसीज में INR में होते हैं। लेकिन फॉरेन करेंसी अकाउंट यानी कि FCA में हम ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं वो फॉरेन करेंसी में करते हैं, INR में नहीं करते हैं, यही होता है FCA, ठीक है ना। तो जो अभी तक ये दोनों पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, ये दो पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, ये अभी करंट का नियम है, अभी ये वर्तमान में ये सिचुएशन है, वर्तमान में ये नियम है। लेकिन इस सर्कुलर के जरिए क्या फैसला लिया गया, क्या क्या
चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है, अब उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने पॉइंट थ्री पढ़ लिया होगा, उसके लिए पॉइंट थ्री आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लोगों ने पढ़ लिया तो मैं इसको एलिबरेट कर रहा हूँ, समझो। पॉइंट थ्री में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और नहीं किया है, पढ़ा है तो एक बार वीडियो पॉज कर लो, फिर से एक बार आप लोग वीडियो पढ़ लो इसको। बाकी चीज़ें मैं आसान बोलचाल की भाषा में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, आरबीआई के द्वारा चीज़ों को जो है वो क्या किया गया, रिव्यू किया गया। आरबीआई के द्वारा चीज़ों को रिव्यू किया गया और ये डिसाइड किया गया कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो एलआरएस के तहत जितने भी परमिसिबल पर्पजेज हैं उन सभी पर्पजेज के लिए आईएफएससी के अंदर रेमिटेंस को फैसिलिटेट कर सकता है, ठीक। मतलब कि, और समझो, मतलब कि आईएफएससी एक्ट 2019 के तहत विद इन आईएफएससी, आईएफएससी के अंदर सभी प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अवेल करने के लिए एलआरएस के तहत आईएफएससी के अंदर पैसा भेज सकता है। देखो इसमें बोला गया है ना, अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज पर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 विद इन आईएफएससी। ये पहला पॉइंट है ना, ये हो गया है इसमें, पहला फैसला किया गया ये नए सर्कुलर के माध्यम से। पुराना वाला ये था, नए वाले में पहला फैसला ये किया गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला क्या किया गया, दूसरा ये है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमें आईएफएससी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें आईएफएससी के अंदर एफसीए, आईएफएससी के अंदर एफसीए फॉरेन करेंसी अकाउंट, आईएफएससी के अंदर एफसीए यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना होता है और हमें पहले इस एफसीए में पैसा भेजना होता है, फिर इस एफसीए अकाउंट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी हमें करना है वो कर सकते हैं। तो पहले एफसीए में पैसा भेजेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग उस एफसीए के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ये बोला गया है कि आईएफएससी के अंदर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है इस अकाउंट के थ्रू आईएफएससी के बाहर भी दूसरे ज्यूरिडिक्शन में सभी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन एनी अदर फॉरेन ज्यूरिडिक्शन अदर देन आईएफएससी थ्रू एन एफसीए हेल्ड इन आईएफएससी। ये जो एक लाइन में बोल दी गई है ना अंग्रेजी में, इसको हिंदी में समझाने के लिए पांच पांच छह छह लाइन बोलनी पड़ रही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया है, वीडियो एक बार पीछे करके देखना, चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ तक आते आते मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हो रही हैं, दिमाग से ऊपर सारी चीज़ें जा रही हैं, लग रहा होगा कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं याद करने का प्रयास करो, और इलेबरेट मैं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बोला गया इन दोनों पॉइंट्स में। इसके बाद में चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखो, आप ये एज्यूम करो कि आपका कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव इंडिया के बाहर किसी भी देश में, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना में पढ़ाई कर रहा है और आपको उसका खर्चा भेजना है, उसको फीस भेजनी है, उसको मंथली जो खर्चे होते हैं वो भेजना है। तो आप क्या करोगे, आप आईएफएससी के अंदर स्थित किसी भी बैंक में एक एफसीए अकाउंट ओपन करोगे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करोगे और पहले अकाउंट ओपन करने के बाद में जो पैसा आपको अपने भाई बंधु को भेजना है उस पैसे को आप पहले उस एफसीए में डालोगे, फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालोगे, फिर उस पैसे को आप अपने भाई बहन को किसी दूसरे देश में भेज सकते हो। तो इसमें यही बोला गया है, यही बताया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें यही बोला जा रहा है कि एलआरएस के तहत जो भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए आप आईएफएससी के अंदर एफसीए अकाउंट में पैसा भेजकर आईएफएससी के बाहर किसी दूसरे देश में भी पैसा भेज सकते हैं और ये पैसा सभी परमिसिबल पर्पस के लिए भेजा जा सकता है। ध्यान रखना, सभी परमिसिबल पर्पस के लिए भेजा जा सकता है, जैसे कि गिफ्ट के लिए भेजा जा सकता है, डोनेशन के लिए भेजा जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपका वहाँ पे भाई बंधु परचेज कर रहा है और आपको उसको यहाँ से पैसा देना है तो आप क्या करेंगे, आईएफएससी के अंदर एक एफसीए ओपन करेंगे, उसमें पैसा डाल के आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर में ये चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी में देता हूँ, थोड़ा सा इन शॉर्ट समराइज करता हूँ इस सर्कुलर को। डीप में तो मैंने समझा दिया, चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी, लेकिन थोड़ा सा समराइज करके एक या दो लाइन में अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो देखो,
इस सर्कुलर के पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ दो पर्पजेस के लिए आईएफएससी के अंदर। दो पर्पजेस कौन से हैं, ये देखो, ये दो पर्पजेस आपको बताए गए थे पॉइंट नंबर टू में, ठीक है ना। तो क्या होता था कि अभी तक सिर्फ दो पर्पज के लिए ही आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते थे। दोनों पर्पजेस को बताया मैंने आप लोगों को, ये बताया हुआ है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब एलआरएस के तहत में जितने भी परमिसिबल, अब एलआरएस के तहत में जो भी परमिसिबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हैं, उन सब के लिए आईएफएससी के अंदर एफसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उस अकाउंट के थ्रू आईएफएससी के बाहर दूसरे देशों में भी पैसा भेजा जा सकता है, ठीक। तो ये मतलब यही इस सर्कुलर का कंक्लूजन था। सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट ये दे दिया गया एफएम एक्ट वगैरह का, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चौथा और पांचवा पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ यही बोला गया, द डायरेक्शन कंटेंड इन दिस सर्कुलर हैज़ बीन इशूड फेम एक्ट 1999 के इस सेक्शन के तहत में डायरेक्शन जो है जारी किया गया, ये सब चीज़ें बोली गई इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तीन सर्कुलर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, जुलाई महीने का। अभी आने वाले क्लासेस में हम लोग इससे आगे के सर्कुलर जो है डिस्कस करेंगे, एक दो मास्टर डायरेक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मास्टर डायरेक्शन भी आया हुआ है जुलाई में। और कुछ एक सर्कुलर ऐसे भी हैं जिनको हम लोगों ने अपनी वीडियो क्लासेस में, अपनी पेड क्लासेस में एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो जो चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर ली वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस कराई जाएंगी। क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं वो भी आप लोगों को बताते हुए मैं चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चीज़ें नहीं समझ में आई तो वीडियो के एक बार पीछे से करके देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लास को आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में फिर से होगी। तब तक के लिए पढ़ाई जोरदार तरीके से करते रहिए।